सांसद कपिल पाटिल को मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिली, ये एक शहर के लिए खुशी की बात है। सबसे पहले हम प्रकाश डाल लेते हैं कि कपिल पाटिल जो कि किसान भी हैं, बिल्डर, डेवलपर, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, इनकी शुरुआत दिवे अंजूर गांव में, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने सरपंच पद से शुरू किया। उसके बाद ये ठाणे जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष बने, फिर भारत इन्होंने राजनीतिक ऊंचाइयों को और भी आगे बढ़ाया तो जिला परिषद के अध्यक्ष बने। 2014 में एनसीपी को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, जिसके बाद उन्हें सांसद बनकर भारी मतों से वो जीत दर्ज किया और सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे, जिसके बाद यह आकलन लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कपिल पाटिल का चेहरा जो यह मंत्रिमंडल में आया हुआ है, एक ठाणे जिले में शिवसेना को चुनौती देने के लिए कोई हो तो कपिल पाटिल का चेहरा आगे किया गया है। बहरहाल यहाँ खास करके भारतीय जनता पार्टी, जब इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की, उसके बाद भिवंडी भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। हम आपको लेकर चल रहे हैं वो तस्वीर दिखाने के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी मध्यवर्ती कार्यालय के सामने एक खुशी का माहौल था, वहाँ पर लोगों ने फटाकड़ी फोड़े, साथ में मिठाइयाँ बांटी और सभी ने एक ही कामना किया कि भारतीय जनता पार्टी और शहर का विकास अब संभव होगा। लेकर चल रहे हैं हम आपको तस्वीर दिखाने के लिए, जिस वक्त वहाँ खुशियाँ मनाया जा रहा था वहाँ पर विधायक महेश चौगले, संतोष मंजैया सेट्टी, यशवंत टावरे, हनुमान चौधरी जो कि गट नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके अलावा प्रवीण मिश्रा, प्रेम नारायण राय, परेश राजू चौगले, रवि सावंत, हर्षल पाटिल, इनके अलावा वहाँ पर पीडी यादव, भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग उपस्थित थे। लेकर चलते हैं आपको तस्वीर दिखाने के लिए, सबसे पहले जब कपिल पाटिल शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय का दृश्य, उसके बाद लोगों ने अपनी राय दी है, सुनते हैं उनकी राय। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संयोजित या प्रकट नहीं करूँगा। इनके सबके सहयोग से एक बहुत बड़ा बात हमारे आज भिवंडी शहर ग्रामीण के सभी के लोग, एक बहुत बड़ा खुशी का वातावरण देश में खुशी की लहर है, क्योंकि आज
जो मंत्री पद है जो आज कपिल पटेल साहब को मिला है, क्योंकि वो बड़ी बात है, थाना जिला में पहली बार ये मंत्री पद मिला है, तो उसके लिए आज जो थाना जिले का विकास है और जो कपिल पटेल साहब का काम है उसके देखते हुए आज यानी पार्टी ने जो निर्णय लिया है, नरेंद्र मोदी जी है, नड्डा जी है, अमित शाह है, देवेंद्र फडणवीस है, ऐसे इन्होंने जो निर्णय लिया और अच्छा एक जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का या एक एमपी जो आज उसको पूरे भारत का नेतृत्व करने के लिए इधर बैठा है, तो एक अच्छी बात है। इसके वजह से जो पूरे देश में जो आज कपिल पाटिल के जो काम करने का तरीका है, जो प्रशासन पे वर्चस्व है, बोलने का तरीका है और राजकारण में बहुत होशियार और बहुत समझदार और माहिर आदमी है, तो ये काम आज जो भिवंडी में लोकसभा में जितना फंड आया, ये फंड अभी वही काम जो ऊपर पूरे भारत में करने का मौका आज भिवंडी को मिला है, तो उसके वजह से भिवंडी को और पूरे थाना जिले महाराष्ट्र को भी उसको फायदा हो जाए। निश्चित तौर से आदरणीय समाज के लिए ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है कि आपने देखा होगा कि भिवंडी तालुका में करीबन 258 गांव है जिसमें आदरणीय समाज सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है परसेंटेज के आप देखेंगे तो, और आदरणीय समाज का एक व्यक्ति ये दिल्ली में जाके केंद्रीय मंत्री बनता है, तो निश्चित तौर से हमें बहुत गर्व है इसके बारे में। और मैं कहना चाहूँगा कि कपिल पाटिल साहब ग्राम पंचायत से आज़ाद से गए हैं, तो उन्होंने उनको ये ग्राम पंचायत के कामकाज करने का तरीका उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। ग्राम पंचायत हुई, पंचायत समिति, जिला परिषद, ऐसे नीचे से वो ऊपर तक गए, तो निश्चित तौर से आज जो पोर्टफोलियो जो खाता उनको मिला है जो पंचायत राज का है, तो उनका पूरा वो ये अपने भिवंडी के लिए ये अच्छा उनको गौरव मिला, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है भिवंडी वासियों के लिए। और कपिल पाटिल के रूप में जो हमें एक नेता मिला है, बहुत ही सुलझा हुआ नेता है और काम करने वाला आदमी है, वो दो बार चुन के गया, उन्होंने भिवंडी के बारे में बहुत अच्छा सोचा और पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनका विकास बोल रहा है, विकास करने वाले को मोदी सरकार में जगह मिलती है, ये आज साबित हो गया। प्लस हमें एक गर्व की बात ये भी है कि हमारे समाज को शिवसेना ने खाली यूज किया और कभी नेतृत्व में नहीं दिया, जैसे गणेश नाइक को बाजू में कर दिया, लीलाधर डाके को बाजू में कर दिया, लेकिन मोदी सरकार और भाजपा ने ओबीसी समाज और आगरी समाज को खींच के मान सम्मान दिया, इसलिए मैं पूरा मेरे परिवार की तरफ से और मेरे वार्ड की तरफ से, मेरे मित्रगण की तरफ से कपिल पाटिल साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा और ऐसे ही आगे बढ़े हम तुम्हारे साथ।